डी पेरेंट्स वेलकम बैक टू एनटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस मिल रहे होंगे और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बनाते रहें जिससे आपको और आपके बच्चों का एजुकेशनल फायदा होता रहे। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, लाइब्रेरीज इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। देखिए, जब बच्चा हमारा बच्ची पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाते हैं तो उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, जिसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की है। वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन जो उनकी होती है कि उनको एक अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी। अब देखते हैं, जब हम इंडिया के अंदर पढ़ाई करते हैं तो हम अपने कॉलेजेस की लाइब्रेरीज के हाल को बेखूबी उससे वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि हमारी लाइब्रेरीज किस तरह की होती है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर लाइब्रेरीज किस तरह की होती है। आज मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा, उस पर बात करूंगा। देखिए, लाइब्रेरी एक कॉलेज को, एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इवन फॉर एग्जांपल, व्हेन कॉलेजेस नैक एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं तो लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है जहां पर उनकी बुक्स को देखकर उनको एक्रेडिटेशन दिया जाता है इंडिया के अंदर। अब अगर जब जाए आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं पढ़ाई के लिए तो वहां की लाइब्रेरीज, चाहे वो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी हो, लाइब्रेरी इज गिवन वेरी वेरी अटमोस्ट वेरी 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 लार्ज इंपॉर्टेंस, बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस उनको दिया जाता है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए और क्या क्या चीजें फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर होती है एक लाइब्रेरी के अंदर। देखिए, सबसे पहले जो चीज होती है एक लाइब्रेरी के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसका माइंड, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके स्पेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर देखेंगे हमारी यूनिवर्सिटी की, हमारे कॉलेजेस की लाइब्रेरी होगी तकरीबन 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, या कोई बहुत बड़ा कॉलेज 2000 स्क्वायर फीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जानेंगे, आप देखते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वो तकरीबन लाखों स्क्वायर फीट के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर उसकी लाइब्रेरी तकरीबन 14 महले की थी, 14 फ्लोर की लाइब्रेरी थी और हर एक फ्लोर कम अज कम 8 से 10 हजार स्क्वायर फुट चौड़ा, और मतलब उसका एरिया उतना बड़ा था। तो ये लाइब्रेरी का स्पेस जो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक बच्चा लाइब्रेरी के अंदर जाए तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, मैं लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो रहा हूं, आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ दैट। दूसरी, उसके साथ साथ होती है उसका एम्बियंस, दैट एम्बियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जब लाइब्रेरी के अंदर जाए, दाखिल हो, तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, हम पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज का या फॉरेन कंट्रीज का एक कल्चर है लाइब्रेरी का, जो कल्चर हमारे इंडिया के अंदर मौजूद नहीं है। वी नीड टू डेवलप दैट कल्चर। तो ये अगर आप देखेंगे तो एम्बियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस एक लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। और अगर आप चाहें, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के अंदर, हार्वर्ड के अंदर, उनकी लाइब्रेरियां कितनी बड़ी होती हैं और उसके अंदर कितनी सारी वसाइल मौजूद होते हैं आपके लिए जिससे आप उनका फायदा उठा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर दो जो चीज है वो होती है वहां पर बुक्स, वहां पर रिसोर्सेज। देखिए, जब बच्चा या बच्ची पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होता है तो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि उसे वो बुक्स मिलेगी कि नहीं, बिकॉज वैरायटी ऑफ द बुक्स। आप यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जाते हैं, ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं गया और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पर दाखिल हुए तो वहां पर बहुत सारी लाखों बुक्स थे, वहां पर तकरीबन एक दो बुक नहीं, लाखों किताबें मौजूद है वहां पर, लाखों किताबों, हजारों नहीं बल्कि लाखों किताबें वहां मौजूद है। आपको दुनिया की जो भी किताबें चाहिए हर एक ऑथर की पॉसिबली आप वहां से ले सकती हैं, आपको मिलेगी वो, मतलब वो किताब आपको मिल सकती है। दैट्स, बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर ऑथर की, हर एक डिफरेंट ऑथर की बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर देखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो चीज होती है, आज इंटरनेट का जमाना है, आज हमारे सब सारी चीजें ऑनलाइन है, रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन आते हैं, आज प्रिंटेड मटेरियल का दौर कम होते जा रहा है। तो वहां पर देखेंगे लाइब्रेरी रिसोर्सेज, अगर आप देखेंगे रिसर्च रिसोर्सेज जो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं उनमें काफी डिफरेंस है। वहां पर आपको जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, छोटे छोटे जर्नल्स हैं, हर एक किस्म की ई जर्नल्स आपको दस्तियाब होंगे, आपको मिलेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे वहां शौक से उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उसका यूज भी करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें थर्ड थी आपकी ई जर्नल। फोर्थ है आपकी लाइब्रेरी टाइमिंग्स। लाइब्रेरी टाइमिंग्स जो होती है अक्सर होता है हमारे इंडिया के अंदर के कॉलेज बंद तो लाइब्रेरी बंद, हालांकि फॉरेन के अंदर ये नहीं होता है। लाइब्रेरी तकरीबन रात देर रात तक खुली होती है जहां बच्चे जाकर अपने पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एग्जाम के दौरान पढ़ाई कर सकते हैं,
हाँ वहां पर आपको रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं, हाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बट आपको देर रात तक लाइब्रेरी वहां पर खुली होती है. लाइब्रेरी टाइमिंग्स आर अगेन इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द कॉलेज आवर्स. फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ये फायदा मिलेगा कि लाइब्रेरी देर रात तक 12 एक दो बजे तक खुली होती है. ये बहुत ज्यादा आपको बड़ा इंपॉर्टेंस है. फोर्थ जो आपका नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो है आपका वो है आपकी कंप्यूटर रिसोर्सेज. जो देखा आपने लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर रिसोर्सेज भी होने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को अगर बहुत से बच्चे होते हैं जहां पर बच्चों को फॉर कंप्यूटर यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने देखा फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर लैब के अलावा भी आपको वहां पर आपको ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है जो आपको लाइब्रेरी के अंदर ही आपको कंप्यूटर यूज करने के लिए मिलते हैं. तो ये थे आप मोटे जो बड़े बड़े पॉइंट जो थे आपको मैंने बताए कि क्या लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंस है हमारे इंडिया के अंदर और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर. अब्रॉड के अंदर जो लाइब्रेरीज है वहां पर क्या डिफरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बुक्स के डिफरेंस है, जर्नल्स के डिफरेंस है, फिर आपको लाइब्रेरी टाइमिंग के ताल्लुक से आपको डिफरेंस है, एंड आपको जो है वो है आपको कंप्यूटर वगैरह जो आपके रिसोर्सेज जो मिसलेस रिसोर्सेज है वो भी आपको वहां पर दस्तियाब मिलती है. सो दीज आर दी लार्ज बाय लार्ज आपको लाइब्रेरी के ताल्लुक से जो डिफरेंस जो नजर आता है, बिकॉज लाइब्रेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉलेज आर यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर हमें लाइब्रेरी और कॉलेजेस को अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर भी, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये फायदा जरूर ब जरूर मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपको हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा. तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर प्लीज उसे शेयर भी कीजिए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. नई वीडियो के सामने आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ.